वहीं मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच सरकार का एक नया ड्राफ्ट भी तैयार हुआ है जो कि अब चर्चाओं में है, और इस नए ड्राफ्ट के मामले में जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक सिर्फ नगर निगमों में प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव होंगे, वहीं नगर पालिका परिषद में अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष के चुनाव होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 शहरों में नगर निगम है, और कहा यह जा रहा है कि बड़े नेता पार्षदी का चुनाव लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं थे, और इसीलिए जो नगर निगम के चुनाव हैं उनको जनता ही सीधे महापौर चुनेगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नगर पालिका और नगर परिषद की, तो वहां पर अब पार्षद तय करेंगे अध्यक्ष कौन होगा। वहीं भोपाल नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहां पर जो आरक्षण प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, और इसमें जो ओबीसी का कोटा है वो 21 से बढ़कर इस बार 23 हो गया है, और जो कि लगभग 27% बैठता है क्योंकि 85 वार्ड हैं भोपाल नगर निगम में, और इससे पहले 21 वार्ड को ही रिजर्व किया गया था जिसमें अब 2 वार्डों को बढ़ाकर 23 कर दिया गया है। वहीं 10 वार्डों को ओबीसी महिला के लिए रिजर्व किया गया है कुल मिलाकर। वहीं ग्वालियर नगर निगम की जो आरक्षण प्रक्रिया थी वो भी पूरी हो गई है भोपाल की ही तरह, और जो ये काम है वो लगातार अब निपटाया जा रहा है तेजी के साथ। यहाँ 20 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, आपको बता दें कि 66 वार्डों में से 20 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं, इसमें 10 महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार ओबीसी के 3 वार्ड बढ़ गए हैं, वहीं 34 वार्ड अनारक्षित हैं जिसमें 17 पर महिलाएं लड़ेंगी। 1 सीट एसटी के लिए आरक्षित है जबकि एससी को 11 सीटें मिली हैं जिसमें 6 पर महिला उम्मीदवार होंगी। एससी के जो है वो 11 वार्ड हुए हैं, एसटी के का 1 वार्ड हुआ है। जो एससी के 11 वार्ड हैं उसमें 6 महिला हैं, क्योंकि एसटी की 1 ही सीट आरक्षित है इसलिए उसमें वो अनरिजर्व है, महिला पुरुष कुछ नहीं है, एसटी के लिए है आरक्षित, मतलब 1 सीट। ओबीसी के 20 वार्ड आरक्षित हुए हैं जिनमें से 10 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 34 मुक्त सीटें हैं जिनमें से 17 महिला मुक्त सीटें हैं। ओबीसी के वार्ड थे उसमें 3 की वृद्धि हुई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, उनका 2 दिन का पूरा कार्यक्रम यहां पर तय हुआ है। इस दौरान वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं जेपी नड्डा, उन्होंने इसको लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 जून को भोपाल और 2 जून को जबलपुर में रहेंगे। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भोपाल में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, वहीं जबलपुर में यूथ कनेक्ट को लेकर संवाद होगा। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर भी बात की। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, 1 तारीख को भोपाल उनका पदार्पण हो रहा है, उनका 3 दिन का दौरा है। 1 तारीख को भोपाल रहेंगे, 2 तारीख को वो जबलपुर रहेंगे और 3 तारीख को जबलपुर से फिर वो वापस जाएंगे। एक बड़ा सम्मेलन कार्यकर्ताओं का भोपाल के अंदर होगा और जबलपुर के अंदर यूथ कनेक्ट का हमारा अभियान जन्म शताब्दी वर्ष पर जो चल रहा है, आपने कल भी देखा होगा, तो यूथ कनेक्ट के अभियान में एक बड़ा युवाओं का संवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जबलपुर के अंदर होगा। निकाय के चुनाव, ग्रामीण निकाय के और स्थानीय निकाय के चुनावों में हम अपनी तैयारी में जुटे हैं। प्रोसेस क्या होगा ये सरकार को तय करना, और सरकार जब तय कर देगी, चुनाव आयोग जब उस चीज़ों को जारी कर देगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर हम मैदान में उतर करके तैयार हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है कि पद्धति क्या होगी, अरे जो पद्धति होगी उससे हम इस मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण और स्थानीय निकाय में इतिहास बनाएंगे।